हमको मत देखो, अपना काम करो। देश भर में इन दिनों सावन महीने की कांवड़ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जा रही है। सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा तट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रयागराज में गंगा घाटों पर गंगा जल भरने के लिए कांवड़ियों का भारी हुजूम देखने को मिला। सुबह के अलग अलग जिलों में यहां कांवड़िये संगम में स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर के अलग अलग शिव मंदिरों के लिए निकलते नजर आए। हम लोग का दिनचर्या अभी 4 बजे यहां से निकलेंगे तो सीधा कम से कम 50 किलोमीटर का चलना रहता है। रात को पूरी रात चलना है, उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत आराम करते हैं, उसके बाद फिर सीधा बाबा धाम। कितना इंतजार था कोरोना काल में? बहुत ज़्यादा इंतजार था। कोरोना काल की वजह से हम लोग थोड़ा परेशान थे, बट बहुत ज़्यादा उत्साह थी कि जल्द से जल्द वो हो जाए, हम कांवड़ जल्द से जल्द लेके जाएं। भोले शंकर से क्या प्रार्थना करेंगे, क्या चीज़ पूरी हो जाए आप लोग की मनोकामना? बस यही प्रार्थना है कि भाई हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और जो है हिंदुस्तान हमेशा आगे बढ़ता रहे, बस यही कामना है। क्या नाम है आपका? शैलेश दुबे। कांवड़ियों का कहना है कि 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने से लोगों में कितना उत्साह है, इसका प्रमाण यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से आए हुए एक कांवड़िये में देखने को मिला। कुछ हफ्ते पहले ही हुए एक्सीडेंट होने से पैर डैमेज हो गया, इसके बावजूद भी बैसाखी के सहारे ये शख्स अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करने निकल पड़ा। संगम तट दशाश्वमेध मंदिर के सामने बैसाखी के सहारे चल रहे इस शख्स ने अपने जज्बे को बरकरार रखा। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर हमारे संवाददाता ने संगम तट पर दशाश्वमेध घाट का जायजा लिया और कांवड़ियों से खास बातचीत की। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कांवड़ियों की श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो प्रयागराज में आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की है। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, कांवड़िए पहुँच रहे हैं और गंगा जी से गंगा जल, ये संगम का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि यहीं से गंगा जल लेकर जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बैद्यनाथ के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, भोलेनाथ के अलग अलग दरबारों के लिए पहुँचते हैं। और देख सकते हैं कि सावन का जो महीना होता है वो विशेषकर उसमें शिव जी की पूजा होती है। 30 दिन बेहद खास होता है शिवजी के लिए और जो सोमवार का दिन होता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कहा माना यह जाता है कि सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद यहाँ से जल लेकर भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पैर से जिनको दिक्कत है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ में इनकी इतनी आस्था है कि इनका जज्बा, इनका जोश देखिए कि ये तब भी कांवड़ लेकर तैयार हैं भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। जी ये कहाँ से आए हैं आप? जी घोरपुर, एक गांव कांटी है जी, वहाँ से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो जितने कंवरियाँ हैं भोले बाबा के भक्त हैं, अच्छे हैं,
और हम भी भक्त हैं जो कि हम इस कंडीशन से हैं, फिर भी हम जाते हैं हर साल भोले बाबा के पास दरबार में। दो साल का कोरोना का टाइम था, उस समय कांवड़ नहीं गई, तो अब जा रहे हैं, कितना जोश है, कितना उत्साह? बहुत सा है जोश, बहुत सा है। और दो साल जो लॉकडाउन लगा था, हम गए थे छोटी ही मंदिर में गए थे दर्शन करने। मेरा नाम ओम प्रकाश सोनकर है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका जोश देखिए, जज्बा, ये यहाँ से संगम से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए बनारस जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई अव्यवस्था ना हो, पुलिस लगी हुई है। और जो श्रद्धालु हैं, लगातार उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है, वो यहाँ संगम के किनारे पहुँच कर गंगा जी का जल लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि दर्शन वो करेंगे लेकिन जो जल जाता है शिव जी को चढ़ने के लिए, जो जलाभिषेक होता है, वो प्रयागराज के संगम से ही जाता है। और यहाँ पर प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में सभी कांवड़िए जो हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर जल लेकर भोलेनाथ का जयकारा करते हुए अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। प्रयागराज से पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष त्रिपाठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।